असदुद्दीन ओवैसी मुनव्वर राणा के साथ मोदी सरकार का नाम भी जोड़िए। भारत सरकार की नीति क्या थी अफगानिस्तान को लेकर जानते हैं आप? अफगान लेड, अफगान ओन एंड अफगान कंट्रोल सरकार हम चाहते थे वहां। मोदी सरकार ने इसको तब्दील कर दिया, सुधांशु त्रिवेदी जी इस परिभाषा को, उन्होंने कर दिया आईएसआई लेड, तालिबान ओन एंड पाकिस्तान कंट्रोल। क्यों? मैं चार प्रमाण रखता हूं अंजना जी आपके सामने। एक अनुबंध होता है 29 फरवरी 2020 को, एक होता है काबुल में, एक होता है कदर में। उसमें यह तय किया जाता है, अमेरिका सरकार के द्वारा वो हस्ताक्षरित किया जाता है और तालिबान के नेता अब्दुल्ला बरादर के द्वारा ये तय किया जाता है कि 5,000 आतंकियों को छोड़ा जाएगा, सत्ता का शेयरिंग होगी, तालिबान को सत्ता सौंपी जाएगी। और 12 सितंबर के बाद जब इंट्रा अफगान निगोसिएशन स्टार्ट होंगे तो उसको इन तालिबानियों को रिकॉग्निशन दिलाई जाएगी। इस अनुबंध के बाद भारत सरकार का बयान आता है। भारत की सरकार कहती है, इंडियन गवर्नमेंट हैज वेलकम द अपॉर्चुनिटी एंड होप फॉर पीस एंड स्टेबिलिटी जनरेटेड बाय दीज एग्रीमेंट। इन दोनों अनुबंधों से तालिबान को अफगानिस्तान सौंप देने के बाद शांति स्थापित होगी। राज्यसभा में जवाब दिया जाता है, राज्यसभा में जवाब देते हैं कि एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर पार्टिसिपेटेड इन द इनॉग्रल सेशन ऑफ इंट्रा अफगान निगोसिएशन हेल्ड इन दोहा September 2020। हमारे विदेश मंत्री उस इंट्रा अफगान निगोसिएशन में जाते हैं, उसमें कौन होता है जानते हैं? उसमें होता है तालिबान और कतर के स्पेशल एनवाय कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन कतर मजीद अल कतनी कहते हैं कि भारत के विदेश मंत्री मुझसे तो मिले ही मिले, तालिबान के साथ भी भारत की चर्चा हुई। ये बात यही नहीं रुकती अंजना जी, ये इतना साधारण नहीं है, ये सब कुछ नियोजित है। मोदी सरकार इस पूरे खेल में शामिल है, इतिहास साक्षी है। 2012 में जब ओबामा थे तब भारत ने क्या नीति अपनाई थी? साफ शब्दों में दोनों देशों ने कहा था, महिलाओं की सुरक्षा और प्रजातंत्र की सुरक्षा के साथ तालिबान को वो नहीं सौंप सकते। ये सौंपा किसको? भारत की परिस्थिति कैसे निर्मित हुई, क्यों अलग थलग पड़ गया? ठीक है सुधांशु जी, सुधांशु जी से मैं इस पर जवाब लूंगी, छोटा सा जवाब सुधांशु जी, क्योंकि मैं दो बहुत खास महिला मेहमान मेरे साथ हैं जो अफगानिस्तान की परिस्थिति पर बोलेंगे। ठीक है, मैं दो लाइन में जवाब दे देता हूं। देखिए, अभय दुबे जी की पार्टी को तो यह सौभाग्य प्राप्त था कि इन्हें तो तालिबान की समस्या कभी झेलनी नहीं पड़ी। 2001 तक तालिबान का राज था और जैसे ही अमेरिका वहां आया, जब तक इनकी सरकार आई 2004 सारी कमर तोड़ चुकी था अमेरिका, वहां हैसियत ही खत्म हो चुकी थी तालिबान की। और उसके बाद 2004 से 14 तक कोई समस्या नहीं थी। हाँ, जो आपने 2012 याद दिलाया, अभय जी याद दिलाना चाहता हूं, 2010 में बराक ओबामा भारत आए थे, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने यह कहा कि अगर 26/11 के ऊपर हुए अटैक के रिटेलिएशन में हम पाकिस्तान पे हमला करते तो भाजपा को राजनीतिक लाभ मिलता। अब यदि आपको आपत्ति है तो करिए मुकदमा जाके बराक ओबामा के ऊपर, उस किताब के पब्लिशर के ऊपर, कि ऐसा क्यों बोला, तो किसकी क्या रणनीति थी? सवाल ये है ही नहीं मान्यवर, सवाल इस बात का, ओबामा की किताब कोट की है। सवाल ना, मैंने इतनी बड़ी अमेरिकी राष्ट्रपति, बात यह है कि उसकी ऑथेंटिसिटी आप चैलेंज कर, तो मैंने सिर्फ ये बताया।